आपने मरकुस 9 में पढ़ा है ना, यीशु मसीह के पास एक 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 बंदा अपने बेटे को लेकर आया जिसे लिखा मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, ऐसे मिर्गी के दौरे वाली, हाँ क्या थी वो, उसके पास लेकर आया चर्चा सुनकर, जैसे आज भी लोग चर्चा सुनकर आते हैं यीशु मसीह के पास, तो वो भी आया, क्या आया, तो तब यीशु मसीह उसे मिले नहीं, उसके चेले मिले, क्या मिले, तो वो दुष्ट आत्मा जो उसके बच्चे में मिर्गी के दौरे की थी, तो चेलों ने ऐसे आज्ञा की कि निकल जा, तो वो नहीं गई, उसका उसकी हालत उस बच्चे की उस दुष्ट आत्मा ने और भी खराब की, क्या की उसकी हालत और भी खराब की, तब भीड़ लग गई, यीशु मसीह आ गई, उस बंदे ने कहा देख मैं अपने बेटे को तेरे पास लेकर आया तो तेरे चेले चंगा ना कर पाए, क्या ना पाए मेरे बेटे को, अच्छा समझ आ रही है कि तेरे चेले मेरे बच्चे को अच्छा ना कर सके। उसने कहा हे अल्पविश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्या रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, उसने कहा अपने बच्चे को लेकर आ, अभी सुनना नियम क्या है परमेश्वर का, उसने कहा अपने बेटे को मेरे पास लेकर आ, और लिखा दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामने भी उस बच्चे की बुरा हाल कर रही, अभी यीशु मसीह के सामने भी, पास्टर सेविक जी प्रॉफिट जी अपोस्टल जी एक अलग है, यीशु मसीह की बात करना, उसके सामने भी दुष्ट आत्मा उस बच्चे का बुरा हाल कर रही है, और यीशु मसीह ने आत्मा में ऐसे देखा, क्योंकि समझने से किसकी पावर किसकी शक्ति हमारे अंदर आती, किसकी बात समझने से, समझ आ रही, तो यीशु मसीह के सामने भी वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चे का बुरा हाल कर रही है दुष्ट आत्मा, क्योंकि परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, आज्ञाओं का परमेश्वर, नियम के बाहर कुछ भी करता, आपको पता हबकूक नाम के नबी ने परमेश्वर से कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी, क्या की थी, कंप्लेंट शिकायत की के देख परमेश्वर दुष्ट तेरे लोगों को निगल रहा मार रहा और तू चुप करके बैठा है, उसने कहा नहीं मैं अपने पैरे के घुम्मट पर त्यार बर त्यार हूं, कौन उस मन से आए तो क्या करूं मैं उसके जीवन में काम करूं, क्योंकि नियम का परमेश्वर क्या है, इसीलिए उस दुष्ट आत्मा जो बच्चे को थ्रोड़ मरोड़ रही थी यीशु मसीह के सामने, तो यीशु मसीह ने फिर उससे पूछा हा? ये से कब से, उसने कहा बचपन से, दुष्ट आत्मा इसे कभी आग में कभी पानी में कभी ऐसे गिराता है, तो तब यीशु मसीह उसे किसका ज्ञान देने लगे, किसकी बातें सिखाने लगे, किसके राज्य की बातें सिखाने लगे, किसके राज्य की बातें सिखाने लगे, ध्यान से सुनो किसके राज्य की बातें किसके बारे में तो सिखाने लगे, और जैसे जैसे वो बता रहे तो टाइम लग रहा था, क्या लग रहा था, टाइम टाइम लग रहा था, तो उसने उस बंदे ने शरीर से सोचा, इसलिए बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे, जो शरीर में उसको समझ नहीं आएगी उसके ज्ञान की, दाऊद क्यों कहता मैं उसके वचन को पाकर खुश हूं, क्योंकि उसे समझ आ गई उसकी बात की, उसके वचन की समझ आ गई, इसलिए वो खुश था आनंद था, क्या था आपको पता, दाऊद ने 60 लड़ाइयां लिखी एक भी नहीं हारी, क्योंकि उसको समझ आ गई उसकी बात, आपको एक चीज चाहिए, आपको बेबी चाहिए, आपको घर चाहिए, ये चाहिए, आप एक चीज के लिए ऊपर नीचे हो जाते हो, पता नहीं किधर किधर क्या पूठे सीधे हो जाते हो, फिर भी बात बनती नहीं, ऐसे ही जब यीशु मसीह ने उसको टीच किया सिखाया, तो ये उस बंदे ने शरीर से सोचा ये तो बातें करता जा रहा है, बस गल्ला ही करी जा रहा, गल्ला ही करी जा रहा, उसने आगे से यीशु मसीह को कहा अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, अगर कुछ कर सकता है तो कुछ कर, यीशु मसीह ने कहा ये तू मुझे क्या कहता है, ये तू मुझे क्या कहता है, ये तू मुझे क्या कहता है, उसने कहा ये गल्ला ही करी अंदा गल्ला ही बातें करी जा रहे, बस जो कुछ कर सकता है तो कर, यीशु मसीह ने आगे से कहा तू ये मुझे क्या कहता है, तो उसने एक शब्द कहा
विश्वास करने वालों के लिए क्या हो सकता है? कुछ 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 क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। ऊंचा तारीफ करो, ऊंचा तारीफ करो, क्योंकि जो उस पर विश्वास करेंगे वो कभी बाइबल में लिखा लज्जावान ना होंगे। क्या ना होंगे? लज्जावान ना होंगे, शर्मिंदे ना होंगे जो उस पर विश्वास करेंगे। उसने कहा ये तू क्या कहता है मुझे? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब क्या विश्वास करते हैं? अब क्या विश्वास करते हो? लोग कहते हैं विश्वास करते हैं जी, ताई ते आई है। कौन सा विश्वास करते हैं? कैसा विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर किस कैसे विश्वास से, किस मन से काम करता है? देखो दुष्ट आत्मा उसके सामने भी यीशु मसीह के उसके बेटे का क्या करे? बुरा हाल। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे, उसकी बातों के बारे सिखाया और समझाया, फिर उसे समझ आई और लिखा फिर उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा मेरे अविश्वास का उपाय करो, मेरे अविश्वास का क्या करो? उपाय करो, उपाय, क्योंकि मेरे अंदर वो विश्वास नहीं। मेरे अविश्वास का, जब तक आपका पूर्ण भरोसा किस पर ना होगा, जब तक किसी का पूर्ण भरोसा किस पर ना होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने कहा तब तक बात नहीं बनेगी, कहीं भी चल जाओ। अगर कोई आया है, हाँ, जब कोई दूसरी जगह से आता है तो उसे सबसे पहले मैं यही चीज सिखाता हूं। अगर कोई यहां से जा रहा है कि ये चीजें मैं जो सिखाता हूं, हाँ, इस मिनिस्ट्री का जो काम है लोगों को सिखाना, किसके साथ मिलाना, किसके साथ मिलाना, किसकी बातों को समझाना, किस पर भरोसा करना, हाँ, किस पर भरोसा करना। उसने क्यों कहा मत डर, मैं क्यों तुम्हारे, तो साथ नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कोई मेरे साथ है? बोलो नहीं विश्वास है कोई मेरे साथ है। वो यहां पे भी, आपके रास्ते में भी, आपके घर में भी, बोलो क्या है? बोलो क्या है? आपके घर में नहीं है तो फिर डर किस चीज का है? निर्बुद्धि है। इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा बुद्धिमान है वह मनुष्य जो मेरी बातें सुनता मानता फिर क्या करता? आपसे सुनना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान है वह मनुष्य जो मेरी बातें सुनता फिर मानता। फिर नंबर तीन, ऊंचा ऊंचा नंबर तीन, दूसरों को बताओ, जो ऐसे आ जाते हैं बस आ जाते बैठे जी, करो जी साडे लिए प्रार्थना करो जी, पता नहीं किन्नी मरी की करो जी, साडे लिए भी करो जी, कुछ करो जी, पता नहीं कई लोग है ना कितनी बार प्रार्थना कराते हैं, वो रजते ही नहीं है। बोलो एक चीज के लिए पता नहीं कितनी बार वो प्रार्थना कराते ही रहते, क्योंकि उन्हें नियम का नहीं पता। इसी लिखा है विस्टम पावर एंड हीलिंग एंड डिलीवरेंस। बोलो क्योंकि उन्हें समझ नहीं, पता नहीं एक चीज के लिए वो कितनी बार प्रार्थना कराते हैं, क्या कराते हैं? एक ही चीज के लिए। यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया पहाड़ से कहो, किसे कहो? इस पहाड़ से कहो उखड़ और कहां पे जा पड़, समुंदर में। और अपने मन में क्या ना कर, संदेह ना कर। इसे लिखा संदेह करने वाला, शक करने वाला ये ना समझे कि मुझसे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, समझ आ रही है? तो यीशु मसीह ने ऐसे सिखाया, हाँ, पहाड़ से भी कहो उखड़ और समुंदर में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना कर। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतिति कर लो, विश्वास करो तुम्हें मिल गया। ऊंचा 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 तुम्हें मिल गया। बोलो तुम्हें तुम्हें मिल गया, मिल गया है। मिलेगा नहीं, मिल गया। यस,